सरहद प्रदेश की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिक भूख हड़ताल करने को मजबूर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व सैनिकों ने पूरे देश में एक दिन की भूख हड़ताल कर पेंशन बढ़ोतरी और पेंशन विसंगतियों को दूर करने की मांग सरकार से की है। मामले में पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है कि पेंशन बढ़ोतरी OROP 2 में हुई पेंशन विसंगतियों को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश की जाए। सैनिकों ने बताया कि सरकार ने फरवरी माह से उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया है, जिसके कारण पूरे देश में ये हड़ताल की जा रही है। अगर सरकार सैनिकों की मांग पर अभी भी गौर नहीं करता है तो वो इसके बाद जेल भरो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज हमारा मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर धरना बैठने का, क्योंकि हमने इससे पहले राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी और रक्षा राज्य मंत्री जी, जो हमारे यहाँ से सांसद भी हैं और रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है अभी, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे संगठनों को जो बुला करके उसमें शामिल करें, संगतियाँ हुई है ORP 2 के अंदर उनको दूर करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर हम यहाँ पर आज तो हम भूख हड़ताल में बढ़ते हैं, फिर जेल भरो आंदोलन पूरे देश में चलेगा। जो हमारी भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन है, ORP 1 में भी विसंगतियाँ हुई हैं, ORP 2 में भी बहुत भारी विसंगतियाँ हुई हैं। इसमें लाखों भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारी और विधवाओं की एक पैसा नहीं बढ़ी है। हम चाहते हैं जैसे ही 5th CPC में हमारी टॉप ऑफ द पे स्केल से, हाइस्ट पे स्केल से पेंशन सेट होती थी, उसी बेस में सभी भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन सेट होनी चाहिए, जिससे हमें 3 से 5 हज़ार तक का फायदा होगा। हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं हमारी जो पेंशन टेबल की विसंगतियों को दोबारा देखा जाए। हमें बेसिक के 50% पर पेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि JCOs और जवानों की नौकरी बहुत कम होती है, उनकी बेसिक बन नहीं पाती वहाँ तक। इसलिए जैसा 5th CPC तक भारत सरकार ने हमें पैसे दिए हैं बेसिक पेंशन का टॉप अप स्केल और उस पर पेंशन, उसी तरह से हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक अपनी पेंशन चाहते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।